हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की NCERT इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे विकास नीतियां और अनुभव, यानी कि स्वतंत्रता। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि 75 से 77 साल हो चुके हैं आज़ादी को। देश जो है हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था और अभी जो है 2022 चल रहा है ना। तो जब जो है भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उसकी GDP में बताऊँ कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो मात्र 2.7 लाख करोड़ थी मात्र, ठीक है, जो कि दुनिया की GDP का मात्र जो है 3% से भी कम हिस्सा था। फिलहाल जो है रियल GDP 150 लाख करोड़ रुपए के करीब है अभी, यानी कि GDP जो है तब से लेके आज तक 55 से 60 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और आज हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आपको ये जो है समझकर बहुत बड़ा प्राउड फील होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास और गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। यानी कि हम जो है हमारे देश में औपनिवेशिक शासन था, आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करते थे और 100 से अधिक वर्षों तक जो है उन्होंने हमारे देश में शासन किया, इसीलिए औपनिवेशिक जो है इसे शासन भी कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या अवरोध पैदा हुआ था, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य की सूर्य अस्त हो जाएगा। और ये कहा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, ये जो है ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे 1894 में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आप सभी को मैं बताऊं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो मैंने बता दिया 2.7 लाख करोड़ थी। तो देखिए ये जो है ना मात्र जो है ये दुनिया भर की GDP का हिस्सा 2024 तक 10% से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। अब देखिए कि आज़ादी के समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, कितनी इम्प्रूव हुई है स्थिति, टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हुई है ना। तो 77 साल में जो है भारत की GDP में लंबी अवधि के दौरान जो है स्थिर बढ़त का रुख रहा है, यानी कि बढ़ता ही रहा है ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बात करते हैं परिचय की। देखिए भारत का जो आर्थिक विकास है ना, ये जो पुस्तक है इसका बेसिकली मोटिव ये है कि आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विकास से आपको अवगत कराना कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक क्या क्या चीज़ें विकसित हुई हैं, हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ आ पहुँची है ना। यानी कि देश की वर्तमान अवस्था और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत का ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं, तभी ना हमें पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। जब हम जानेंगे कि जो पहले था, पहले क्या था अब क्या हो गया, तभी तो हम जो है तुलना कर सकेंगे है ना। तो इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की तो है नहीं, इसके मूल सूत्र तो इतिहास में ही बहुत गहरे हैं ना। अब अगर विशेष रूप से हम देखें उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 ध्यान रखेंगे 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो भारत में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए। अब आप ये देखिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इंग्लैंड वाले थे, चाहे वायसराय हो चाहे वहाँ के कार्मिक हो, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित करना या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना उनका मोटिव नहीं था।
क्योंकि आपको सभी को पता है कि भारत हमारा सोने की चिड़िया हमेशा से कहा जाता रहा है, तो यहाँ कच्चा माल का भरपूर अपार जो है साधन था, ठीक है। तो यहाँ से कच्चा माल यानी कि हमारे भारत से कच्चा माल लेके उससे प्रोडक्ट तैयार वहाँ करते थे और उसका फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स लेते थे, ठीक है। तो औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था उनका उद्देश्य, और उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के जो है पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास की सही मूल्यांकन कर पाना ही संभव नहीं है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं उठ पाई, क्योंकि कच्चा माल यहाँ का रहता था, प्रोडक्ट इंग्लैंड में तैयार होते थे। जब प्रोडक्ट इंग्लैंड में तैयार होंगे तो बेचेगा भी इंग्लैंड, तो फ़ायदा कौन कमाएगा, इंग्लैंड कमाएगा कि भारत कमाएगा, आप खुद ही सोचिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या निम्न स्तरीय रह गई थी। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अपनी खुद की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जन सामान्य की आजीविका, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी, सूती रेशम वस्त्रों, धातु आधारित बहुमूल्य मणिरत्न, इन सब से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था, और भारत में बनी इन चीज़ों को ना विश्व बाज़ारों में अच्छी सामग्री का प्रयोग किया जाता था, ये चीज़ ध्यान रखिए। आइए थोड़ा सा ये मलमल के बारे में बात कर लेते हैं, बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, मलमल जो है एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र है, इसका जो मूल निर्माण है यानी कि इसकी जो ओरिजिन है वो बंगाल यानी कि विशेषकर ढाका के आसपास के क्षेत्र में रहा है, और यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के जो है सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में ख्याति अर्जित की। अब ये बहुत ही महीन कपड़ा होता है, आप मलमल के कपड़े जो है, मखमल के कपड़े, मलमल के कपड़े, आप जो है सभी लोग भलीभांति इससे परिचित हो गए, कितना मुलायम होता है, कितना सॉफ्ट होता है ना। तो विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे, ठीक है। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों में उपयोग के योग्य मानते थे। और देखिए, औपनिवेशिक शासकों द्वारा ना ये जो रची गई आर्थिक नीतियाँ थी, इनका ध्येय क्या था, इनका मोटिव क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, भारत की आर्थिक विकास नहीं था इनका मोटिव, बल्कि जो है अपने मूल देश यानी कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण करना और संवर्धन करना ही था। और इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को ही बदल डाला, हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके जो है कठपुतली बन के रह गए थे, ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, जब आप जो है अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश भर बन गया। अब ये देखिए क्या नीति थी, कच्चा माल कहाँ से गया, भारत से, कहाँ गया, इंग्लैंड में, ठीक है, ध्यान रखिए। कच्चा माल कहाँ से गया, भारत से गया, इंग्लैंड में माल तैयार हुआ, अब भारत ही आयात कर रहा है, भैया ये कैसी नीति है, कच्चा माल हमारे यहाँ है तो हम भी इस प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी समझिए, कितने दिमागदार थे ये। तो स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन करने की कभी भी ईमानदारी का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत ही विसंगतियां और आपसी मतभेद जो है वो रहे। अब इन आकलनकर्ताओं में जो है देखिए, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी के आर वी राव, आर सी देसाई, ये सब प्रमुख थे। तो औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में जो है, यानी कि 20वीं शताब्दी से पूर्व जो है, भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि की दर 2% से कम रही और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रही। अब देखें कृषि क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, है ना। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी कृषि होती रही होगी, ठीक है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत जो है मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या, ध्यान रखिएगा,
देश की लगभग 85% जनसंख्या जो कि गांवों में निवास करती थी, बॉक्स की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, बसी थी। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी वो कमा रहे थे। और एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। और यही नहीं, आप ये सोचिए कि अनेक अवसर पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास और गिरावट का भी अनुभव करते रहे। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र का प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, लेकिन कृषि उत्पादकता की कमी आती रही। अब कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली, आप सभी पढ़ेंगे जब आप जो है पढ़ेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, है ना, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो किसानों को लगान बहुत देना पड़ता था। लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो आप ये समझ लीजिए कि कृषि कार्यों से जो होने वाले समस्त लाभ थे ना, ये तो जमींदार ही हड़प लिया करते थे, किसान को कोई फ़ायदा होता नहीं था, तो किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार जो थे और सभी औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया, कृषि क्षेत्र की दशा को ही सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी करने में, है ना, उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रही। और इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण ये हुआ कि कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने के लिए बाध्य होने पड़े। कई कृषक तो जो है आत्महत्या करने पर बेबस हो गए, भाई अपनी आजीविका नहीं चला पाएंगे तो क्या करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यही राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जो है जमींदारों के व्यवहार से विकास में योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां जो है पहले से ही निर्धारित हुआ करती थी कि जितना जमींदार किसानों से ले उसका कुछ परसेंट तय कर दिया गया था, ये सरकार के कोष में जमा करना है। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से जो है उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। और साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, और आप देखिए उर्वरकों की नगण्य प्रयोग कृषि उत्पादकता के स्तर को निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। तो धीरे धीरे जो है उत्पादकता की क्षमता जो है घटती गई। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान था। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के भी प्रमाण मिले हैं, है ना, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, ठीक है। इसमें जो है नील की खेती भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जब जो है इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जिनका प्रयोग अंततः जो है क्या होता था, इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत जो है बाढ़ नियंत्रण और भूमि उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना आरम्भ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग और छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्रों में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा, है ना। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के बारे में तो बात कर ली। अब देखिए कृषि की ही भांति ये औद्योगिक क्षेत्र भी थे। ये जो अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेज जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े, बस भारत का कच्चा माल लेना है, भारत के लोगों का जो है शोषण करना है, उससे अधिक से अधिक फायदा कमाना है, ये इनका फिका मतलब मोटिव था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ जो है औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। किन की वजह से? इन अंग्रेजों की वजह से। तो देश की जो है विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो गया, लेकिन उन प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत में जो है इस वी औद्योगिकरण के चलते ना विदेशी शासकों को दोहरा उद्देश्य था। एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, दूसरी चीज वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी जो है चाहते थे बनाना, है ना। इस प्रकार जो है उन उद्योगों के प्रसार के सहारे ना वे अपने देश यानी कि ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराना चाहते थे। और ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी और वहीं जो है स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। अब इस मांग को इंग्लैंड में सस्ते निर्मित
आप देखिए शिल्पकला एक बहुत ही महीनी काम है, बहुत टाइम लगता है इसी, और इंग्लैंड क्या करता था, सस्ते निर्मित उत्पादों का लाभ पूर्ण आयात द्वारा जो है पूरा किया जाता था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 19वीं शताब्दी के बाद जो है भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों का स्थापना होने लग गया, लेकिन उनकी उन्नति बहुत ही धीमी रही। मतलब ये आप जान लीजिए कि पहले सबसे पहले प्रारंभ में तो ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक ही आरंभ करने तक सीमित रहा। सूती कपड़ा मीलें जो होती थीं ये प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थीं। ये देश के पश्चिम क्षेत्र यानी कि जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है ना इसमें ही अवस्थित थी, टिस्को है ना ये सारी कंपनियाँ। तो पटसन उद्योगों की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। और 20वीं शताब्दी में आप ये समझने का प्रयास करिए कि आरंभिक वर्षों में लोहा इस्पात उद्योगों के विकास का प्रारंभ हुआ जिसका नाम है टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुई। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है चीनी, ध्यान रखेंगे चीनी, सीमेंट, कागज इनके कुछ कारखाने भी स्थापित किए गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं, आप समझ लीजिए, जिनका जो है जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से जो है देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण शालाओं का पतन की भरपाई नहीं हो पाई। अब भाई कुछ कारखाने आप स्थापित कर दोगे तो शिल्पकला की तो भरपाई नहीं हो पाएगी ना। यही नहीं, जो नए औद्योगिक क्षेत्र थे इनकी समृद्धि दर भी बहुत कम थी, और जो सकल घरेलू उत्पाद था, ठीक है, सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम था, जैसे कि मैंने बताया 0.4 था। और इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये भी थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो कार्य क्षेत्र थे वो बहुत कम थे, और जो वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अच्छा, ये तो थी औद्योगिक चीज़ों की बात। अब आते हैं, करते हैं बात विदेशी व्यापार की। देखिए, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। देखिए वास्को डी गामा, कोलंबस, ये सब, कोलंबस भी जो है आ रहा था लेकिन उसने अमेरिका की खोज की, फिर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो ये सब बार बार, वास्को डी गामा दो बार आया, कई लोग आए है ना, कई लोग आए भारत को लूट कर चले गए। ठीक है, समुद्रगुप्त आए है ना, तो कई लोग आए भारत को लूट के चले गए। तो भारत हमेशा से एक जो है प्राचीन समय से ही व्यापारिक देश रहा है, मसालों के लिए फेमस रहा है। ठीक है, लेकिन औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की जो प्रतिबंधकारी नीतियाँ थी ना, ये भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, इन सब के निर्यातक होकर रह गया। ठीक है, मात्र इतनी चीज़ों का। अब ये देखिए, साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि के आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना जो है एकाधिकार जमा लिया। ठीक है, यानी कि जो भारत की विदेशी व्यापार नीति थी उस पर पूरा का पूरा जमावाड़ा हो गया था, किसका, इंग्लैंड का। और भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। ठीक है, और शेष कुछ व्यापार जो थे वो चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का जो व्यापार है, मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। कैसे हो गया, देखिए, विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। लेकिन इस अधिशेष का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी के तेल जैसी ये सारी जो आवश्यक वस्तु थी ना, मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, आप ये देखिए कि इस निर्यात अधिशेष का जो था देश के सोने और चांदी के प्रवाह पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की जो है भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाना होता था, है ना। लेकिन अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा जो है भारत की संपदा का दोहन हुआ। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट के आंकड़े को नज़र डालें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ना मजबूती जो है साफ तौर पर दिखती है। जैसे 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 टाइम बढ़ता गया तो मजबूती आती गई। आप सभी को पता है कि 1947 से 1980 के बीच अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 9% से लेकर 5% के दायरे में रही, यानी कि काफ़ी तेज से उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1980 से 91 के दौरान अगर बात करेंगे तब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और संभली। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति 1991 में लाई गई है ना, तो 9% से भी ऊपर जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और 1992 से 2019 तक जीडीपी ग्रोथ 4 से 8% के दायरे में रही, यानी समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ मजबूती भी आती रही। अब देखिए गरीबों की स्थिति क्या रही इसके बारे में भी हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। 77 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि देश में गरीबों की संख्या में कमी आना है। भारत जब आज़ाद हुआ ना तो देश की 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है गरीबी में जी रही थी। 1977 में अगर मैं बात करूँ तो ये संख्या घटकर 63% हो गई, और 1991 में जब सुधार हुआ तो पहली बार आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर पहुँची, ठीक है। और 2011 के आंकड़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो 22.5% बेहद गरीब रहे, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अभी फिर से बेरोज़गारी की दर जो है बढ़ने लग गई है, अभी नया डेटा नहीं आया है, डेटा आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनांकिकीय परिस्थिति। देखिए थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये स्वेज नहर यही खुल गया था और इधर है भारत, तो इसके माध्यम से जो है व्यापार हो रहा था। तो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार, तो स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। देख पा रहे होंगे, मैं इसके थोड़ा रफ कर दूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये रहा स्वेज नहर, है ना, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, और इस नहर से अमेरिका और यूरोप, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक, ये अफ्रीका है, ये यूके है, इधर भारत है, ठीक, तो ये जो है जोड़ता है। और जलयानों में दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और जो है आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना और भी ज़्यादा सुगम हो गया। चलिए जनांकिकीय परिस्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि जनसंख्या के बारे में। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे में सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत जो है एकत्रित किए गए, ठीक है, यानी कि 1881 में पहली जनगणना हुई, यानी कि इसकी कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही और वर्ष 1921, ध्यान रखेंगे 1921 के पूर्व का भारत जो है जनांकिकीय संक्रमण के प्रारंभ प्रथम सोपान में था, यानी कि द्वितीय सोपान के आरंभ में, यानी कि 1921 के बाद माना जाता है द्वितीय सोपान। लेकिन उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी, ठीक है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी ना ही समृद्धि दर बहुत अधिक थी। तो सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो साक्षरता दर तो मात्र 16% से भी कम थी। अब आप ये ध्यान देखिए कि मोस्ट प्रोबेबली जनसंख्या जो थी निरक्षर थी, इलिटरेट थी, इसमें महिला साक्षर दर तो बिल्कुल नगण्य, केवल मात्र 7% आंकी गई है। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थीं वहां नितांत जो है अपर्याप्त थीं। तो परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊँची थी। विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ तो शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33% हज़ार हो गई हो,
हैं, उस समय ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रतिशत जो प्रत्याशा थी स्तर आज के 69 वर्ष की तुलना में लगभग जो है केवल 32 वर्ष ही था, और विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, है ना, इलिटरेसी थी, यानी कि लोग साक्षर नहीं थे, कई अंधविश्वास थे, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी और परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर होती गई। ये देखिए आप फिगर आउट देख पा रहे होंगे, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा सा मूल आवश्यकता जैसे घर से वंचित था। ये देखिए कैसे झोपड़पट्टी बना के ऐसे जो है रहने के लिए मजबूर थे भारतीय, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे व्यावसायिक संरचना। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था है ये, और आज हम जो है अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर दिए हैं। हमने बात की है आज जो है स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। अभी और भी रह गया है, अगले पार्ट में हम और पढ़ेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।